every day. सपोर्ट करें यार, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है कितना लोगों को सामने वही क्या क्या बोलते हैं लोग पीठ पीछे, समझ सकते हो आप, एक पहाड़ी बंदा ही समझ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी हमने अपना ब्लॉग बनाना है और कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी बोले दोस्तों। तो क्या हाल चाल है और वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, और आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम, आप मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं रोपाई का ब्लॉग है, उत्तराखंड का सबसे फेमस कल्चर, ये आप मेरे पीछे देखने को मिल रहा होगा आपको, और सब लोगों से मिलाऊंगा भी, और बाकी यार बहुत मज़ा आने वाला है, और ज़्यादा कुछ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। मेरे पीछे देख रहे होगे दोस्तों, ये अभी धान है दोस्तों जिसको रोपा जाता है, ये इधर कैसे इसको निकाला जाता है, और सब लोग निकाल रहे हैं दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है मेरी माँ और ये है ताई जी दोस्तों, ये है कशिश जो कि मुँह छुपा रही हैं दोस्तों, आपको तो पता ही है ये तो बहुत अच्छा काम होता है और काफ़ी फेमस कल्चर है उत्तराखंड का, लेकिन इनको शर्म आ रही है, बहुत गंदी बात है दोस्तों। लोगों से मिला लिया है भाई, और अभी अब मेरे को ऑर्डर मिला है कि भाई यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं बिंडा, ये बिंडा है दोस्तों, और इसके ऊपर सोयाबीन बोया जाता है दोस्तों। ये मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे बना रहा हूँ हाथ से, और उसके बाद ही ये रोपाई करी जाएगी इसमें सोयाबीन की। ये सोयाबीन है और इसको उसके अंदर डालना पड़ता है 8 से 10 दाने, और उसके बाद इसको बंद भी करना होगा दोस्तों, मुझे प्रॉपर इसको बंद करना है ताकि इसमें पानी ना घुस पाए और ये ख़राब ना हो जाए दोस्तों। अब हम आपको ले जाते हैं रोपाई की तरफ, अब आप देखेंगे कि हमारी ताई जी, आंटी, दीदी और कैसे रोपाई करते हैं। तो शुरू हो चुकी है रोपाई, ये ताई जी और ये दो बहनें, ये गैप होता है दोस्तों, इतना इतना गैप होता है रोपाई में, आप देख सकते हो। तो भाई दोस्तों हम जा रहे हैं अभी नीचे, नीचे बोले तो दूसरे खेत में जहाँ की पानी लगा रखा है पापा ने, उसके बाद रोपाई होनी है। अभी तो फिलहाल इस खेत में हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हो पापा भी आ चुके हैं सामने से, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं ये, क्या करें दोस्तों, फिर गाँव में होता ही ऐसा है, बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। ये टमाटर आपको दिख रहे होंगे, तो जैसे ये टहनी कोई भी टमाटर की बाहर आती है तो उसको अंदर डाल के इसको झाड़ियों के अंदर डाल जाता है ताकि बाहर ना आए और सुरक्षित रहे और ऊपर झाड़ियों में अंदर जाए। तो बाकी चलो दोस्तों नीचे चलते हैं खेत में और दिखाते हैं आपको खेत। क्या है यह आप देख सकते हो हमारे दो बैल, दो बैलों की जोड़ी, या हाँ। तो खेत है जहाँ पे अभी हल लगाया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे पानी भरा जाएगा, ये आप देखो दिखा देता हूँ मैं, ये पानी आ रहा है यहाँ से, तो हेलो दोस्तों अभी मैं चुपके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कितना इन्होंने रोपाई कर ली है और मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों। इसको देखो, इसको देखो नीचे, इसके ड्रामे देखो, ये क्या कर रही है नीचे। बहुत स्लो काम कर रहे हैं ये, काफी आराम आराम से काम कर रहे हैं, देखो तब से केवल इतना ही लगाया है, देखो आराम मजे ले रहे हैं, देखो नीचे नीचे तक। अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, मुझे ही फटाफट इसको लगाना पड़ेगा पूरा, तो ये आप देख,
आज आप रोपाई हो जाएगी तो अरे मेरे वीडियो बना रहे हैं क्या देख तो बंगाली का आवर है ना गुलचर मुझे रात में कौन यार मैं टूटी थोड़ा टूट नहीं दे जब बाकी हो गए हो जाएगी तो ताई जी क्या बोल रही थी ताई जी ने बोला है कि मैं बंगाली डॉक्टर के पास गई थी मार्केट में ये आपको दिख रहा होगा ये बोल रही कि मैं अभी जब प्रोला बंगाली डॉक्टर के पास मार्केट में गई थी तो वहाँ पे इनके साथ हुआ ये कि बंगाली डॉक्टर अब उनका नाम ही बंगाली डॉक्टर है तो बंगाली हैं उनसे इन्होंने बोला कि मतलब मेरे दांत को देख लो वगैरह वगैरह जो भी कहा होगा फिर कान सॉरी फिर वो बोलते हैं कि चूतने दो थोड़ा बाद में देखेंगे तब बाकी आपने सुन लिया होगा दोस्तों मुझे बहुत प्यास लगी है और हमारे यहाँ मतलब हमारे पास पानी नहीं बचा हुआ है मैं दूसरों के खेत में जा रहा हूँ पानी मांगने और दिखाता हूँ उनसे उनको भी दिखाता हूँ वो क्या कर रहे हैं अभी ये हैं ताई जी और ये चाची बाबी जी चाची सब लगते हैं और ये दीदी और इनकी रोपाई भी चल रही है यहाँ पर और बाकी यार आपको इधर भी दिख रहा होगा सब जगह रोपाई चल रही है जो तो प्यास लगी है मैं पानी पीने आया था और यहाँ पे देखिए मुझे दो तीन कामचोर बैठे हुए हैं चुपके से घास के पीछे और एक और आ चुके हैं देखो तो फाइनली दोस्तों यार देख लो सुबह से इन्होंने बहुत इतना सारा लगा दिया है इतनी सारी रोपाई लगा ली है बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है और आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ गायब था भाई इन्होंने इतना सारा लगाया और मैं कहाँ गायब था ये देखो बाकी थोड़ा सा बचा हुआ ये देखो बस जिनको बोला रे मुसाफिर जहाँ तक जाके मैं अभी तक था मैं वही था दोस्तों गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को मजे ले रहे हैं रोपाई में ठंडो पानी और ये देखो ये देखो एक पलटन और आ चुकी है डाली डाली फूलों की एलपी तो आगे चल रही एलपी सबसे आगे चल रही वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे जाने वाला था और तब तक यहाँ पर अभी और बहुत सारे लोग आए हैं रोपाई करने और अभी मैंने माइक भी हटा दिया है क्योंकि अभी इनसे भी बात करते हैं तो माइक से आवाज़ नहीं आ पाएगी दूर रह जाएगा तो अभी बिना माइक के ही ये शूट करते हैं और चलो आपको इनसे मिला कहा तुम कनी रोपाई सच्चे की बात कहा करूँ जी जो पाड़ू अच्छा तो कहा तुम बोले कि ना गाना ना गुणा कि चुपचाप देवता भी आई ना सब शिकार नाग देखता है देवता क्या कहा देखी रघुनाथ देखी शिकार नाग देखी और कालिक नाग देखी छोड़ के गाय देनी पक्की बात अच्छा सुख समझ खाए थे तब मुझे लगनी की गड़बड़ी मामला तब ना लकी कसम खाइल त मुई मान्छ कुनै
अंशु की खाइल था भाई तू जाने लाई दियो एक भदर का एक जल्दी दियो लाई था अभी लोग देखल तब लोग बोल चलो रो मामा है संस्कृति यूं करा तो लाई दियो एक फटाफट अब तुम्हारे मन रुकी रही नहीं लाओ जो मिले देवी माए बदर काए क्यों जो मिले देखते हैं कुछ और मोमेंट मिलते हैं दोस्तों आपके लिए कैप्चर जरूर करूंगा और बस अपना प्यार बनाए रखो दोस्तों। तो चलो तो दोस्तों ये देखो ये बैल भी खुल चुके हैं और हम भी जाने वाले हैं फाइनली अब यहाँ से इन बैलों को लेके। और ये देखो ये हैं हमारे पापा जी जो कि काफ़ी खतरनाक बहुत खतरनाक। तो चलो चलते हैं दोस्तों, काफ़ी मजाक हो चुका है आज वैसे भी, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, ये बैल भी खुल चुके हैं और ये देखो सामने नदी है और तो यार फाइनली दोस्तों अभी खेत से आ चुके हैं रोपाई करके। और जैसा कि मतलब मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया अभी आए हुए, मैंने खाना भी बना लिया है। आपको पता होगा दोस्तों मैं घर से जब अभी खेत से चला था, रोपाई हुई थी तो मैं वहाँ से चला था, मतलब मैंने बोला था ना कि खाना बनाऊँगा, तो खाना मैंने बना लिया, मैं आपको दिखाऊँगा भी। और मैं अभी छत पर हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ना छत पर आए हुए, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो आज देख सकते हो। और दोस्तों यहीं पर ये ब्लॉग पर एंड कर दूँगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी किचन वगैरह वगैरह, छत पर ही हमारी किचन है दोस्तों। तो यार चलो दिखाता हूँ आपको और फटाफट से यहीं पे ब्लॉग एंड कर देता हूँ, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलो दोस्तों ये पहले ये देख लो आप, काफ़ी टाइम से आपने देखा नहीं होगा ये छत, ये मंदिर काफ़ी अच्छा लोकेशन और ये पुल का, और बाकी ये है किचन। और चलते हैं अभी अंदर और ये देखो दोस्तों ये मैंने चावल बना लिए हैं और बाकी हमारा चूल्हा है और यहाँ पर है इसमें दाल। तो यार दोस्तों ये वो टिफ़िन है जो मैंने अभी मतलब खेत से लाए हैं। तो बाकी यार दोस्तों आप देख सकते हो पहाड़ में ऐसे ही होता है, ये सभी होता है ऐसे ही किचन होते हैं पहाड़ में। बाकी आप ज़रूर बताना दोस्तों आपको किचन कैसी लगी कमेंट करके। और ये हमारा पूजा घर है, छोटा सा एक बना रखा है ताकि सपोज़ हम छत में आते तो हम कभी जूते चप्पल गलती से लेके आ जाते हैं ऊपर, जैसे कि अभी चप्पल वगैरह वगैरह, तो अगर नीचे रखते तो फिर देवी देवता के मतलब बेकार हो जाता दोस्त, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर यार ऊपर बनाया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसी। और ये देख सकते हो आप ये यहाँ पर भैया पूजा घर है ये यहाँ पर। तो बाकी अभी ले चलते हैं आपको बाहर और भाई ब्लॉग भी कर देते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, मज़ा आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें यार, काफ़ी मेहनत लगती है आपको पता है, कितने लोगों को सामने वही क्या क्या बोलते हैं लोग पीठ पीछे, समझ सकते हो आप, एक पहाड़ी बंदा ही समझ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं किसी, हमने अपना ब्लॉग बनाना है और कोई दिक्कत नहीं कोई कुछ भी बोले दोस्तों। तो चलो यार इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं और अगले ब्लॉग में मिलते हैं, काफ़ी शानदार ब्लॉग में, अगला ब्लॉग भी काफ़ी शानदार बनेगा। तो चलो दोस्तों भाई।